के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई, और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम सब। मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन। मैं दो नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर, अब बैठे मान्यवर, मान्यवर, जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया, मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया, और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का काम। मान्यवर, इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया, मान्यवर, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने दो रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। भाई अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में, अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर, 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था, एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया,
आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावित के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और दो दो बार राष्ट्रपति बनाने का, उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार ये गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र करकर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार आई, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए, ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल है। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का निर्णय लिया। और मान्यवर मुझे तो भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे, फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते 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 2027 तक देश दुनिया का 3रा नंबर का अर्थतंत्र। मान्यवर, पर मैं नहीं कहता, IMF भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ, नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लिखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो, ना आप चर्चा शुरू करते हो, ना बोलने देते हैं आपको, अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले, बैठ जाओ। मान्यवर, आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो,
चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो। ये साथ के साथ क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो सातों क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2,00,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक दोगुना हो जाएगी, और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है, और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है, लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाना चाहता है। मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि, और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और PG की सीटों में 100% वृद्धि करकर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया, मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर, G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे, आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास में विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे। मान्यवर, देश की सुरक्षा, UPA की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और इस सदन के अंदर